हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं जाग गई हूँ। चलिए गाइस, फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं तामी के बर्तन में पानी भर के रखती हूँ रात में सुबह पीने के लिए। चलिए गाइस, इसको गैस पे रख देते हैं। गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह सुबह एक गिलास। गर्म पानी कर लिया है, चलिए गर्म पानी पीते हैं। गाइस, मैं मोस्टली अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ ही करती हूँ। चलिए पानी पीते हैं। गाइस किचन में आ चुके हैं, चलिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे के काम करेंगे। गाइस आज क्लीनिंग का बहुत काम है। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं बताना जरा। हैप्पी दिवाली। प्रिपरेशन हो गई है पोहा बनाने की। देखिए गाइस, ये अनियन और ग्रीन चिली ये सब कट कर लिए हैं, ये है करी पत्ता, ये है पोहा, और यह चाय का कंटेनर भी रख दिया है, और ये कढ़ाई रख दी है। चलिए अब पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें लास्ट में बस धनिया डाल देते हैं, और ये हमारा पोहा रेडी हो गया है। तो गाइस देखिए, ये हम तीनों की चाय आ चुकी है, मेरी, माही और शिवानी की, एंड ये पोहा है, माही का पोहा है। एंड गाइस ये न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, साथ में मैच भी देख रहे हैं, और ये मेरी प्लेट है, एंड ये चाय। बालकनी में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। चलिए गाइस, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, चलिए आज कुछ DIY करते हैं। एंड आई आप लोग गाइस मुझे मैसेज वगैरह करते हैं कि आपके बाल बहुत सुंदर है, इतने सिल्की हैं, और वो कैसे। चलिए आज मैं उसका राज आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो चलिए मेरी किचन में और दिखाती हूँ कि आज मैं क्या DIY करने वाली हूँ। गाइस ये हमने प्लांट एलोवेरा लिया है, गाइस हमारे घर में लगा हुआ है, आप लोगों को पहले भी दिखाया। चलिए इसे कट कर लेते हैं। सो गाइस इस तरह से छोटे छोटे इनके ये इस तरह से कट कर लेंगे, और इनकी साइड से ना ये देख रहे हैं ना आप, ये इनको इस तरह से निकाल लेंगे। एक निकाल के दिखा देती हूँ गाइस मैं, और देखिए इनको ये है, हम साइड से निकाल दिए अपन ने ये। अब ये बीच का दिख रहा है ना, इसको इस तरह से करेंगे। ये देखना ये दो पार्ट्स में हो गया है। ये जेल को ना ये स्पून की मदद से ना इस पकड़ के इस तरह निकालेंगे। देखिए गाइस ये निकल गया, इसी तरह हम पूरा कर लेंगे गाइस, सभी एलोवेरा का इसी तरह जेल निकाल लेंगे। आप चाहें तो गाइस इसे इस तरह से पंच पंच करके ना डायरेक्ट सर में लगा सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि आप वीडियो शूट कर रही हूँ ना गाइस। चलिए इस तरह मैं सारा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस देखिए ये पूरा जेल निकाल लिया, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस देखिए ये ग्राइंड हो गया है, अभी थोड़ा सा ये झाग इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ग्राइंड किया, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। चलिए इसे लगाते हैं, कैसे लगाना है वो भी बताती हूँ। देखिए गाइस अभी झाग दिख रहा था ना, ये थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो गया। सो गाइस शिवानी ने मुझसे बोला भाभी मेरे भी हेयर पे भी कुछ DIYs वगैरह कर दो, और मैं अपने पे भी कर लेती हूँ गाइस। कुछ टाइम से काफ़ी व्यस्तताएं चल रही हैं तो नहीं कर पा रही थी गाइस, लेकिन आप कर लेते हैं। गाइज ये इतना फायदेमंद है कि आप वीक में अगर एक बार यूज़ करेंगे तो आपके बालों का टेक्सचर ही बदल जाएगा, काफ़ी हेयर सिल्की स्मूथ और हेयर फॉल में भी फायदा मिलता है गाइज। तो चलिए इसे कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। ये शिवानी आ गई है, ऐसे गाइज ये ना अपन स्कैल्प वगैरह पे लगाएंगे इसको। गाइज देखिए शिवानी को मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया गाइज, पूरे बालों में लग चुका है। एंड गाइज ये क्लेचर लगा दिया है, अब इसे आधे घंटे के लिए बालों में रखेंगे, देन उसके बाद शैम्पू कर लेंगे। शिवानी को मैंने एलोवेरा जेल पूरे बालों में लगा दिया है गाइस, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अब माही को भी शौक आ गया है कि मुझे भी लगा दो, चलिए इनको भी लगा देती हूँ, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। सो गाइस मैंने भी एलोवेरा जेल लगा लिया है पूरे हेयर से, और ये बन बना लिया है, और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और बाकी के काम निपटा लेते हैं। सो गाइस देखिए मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं, काफ़ी सिल्की हेयर हो गए गाइस आज। और आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी हो अपने हेयर केयर के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं गाइस, एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छी रेमेडी है गाइस। हैप्पी दिवाली टू ऑल गाइस, आप लोगों के जीवन में प्रकाश आए। जैसे हम दिए जलाते हैं, दिए हम प्रकाश के लिए जलाते हैं, अंधेरा दूर करने के लिए जलाते हैं गाइस, आपके जीवन में भी प्रकाश आए गाइस, आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों गाइस। और
दिए तो हम बाहर जलाते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक दिया जलना चाहिए, हमारे मन के भीतर एक दिया जलना चाहिए और हम आंतरिक रूप से और बाहर रूप से हम प्रकाशमय होने पाए। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। गाइस लंच वगैरह हो चुका है एंड थोड़ा सा मार्केट जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है, शाम की पूजा वगैरह के लिए थोड़ी सी कुछ सामान रह गया है वो लेके आना है। तो चलिए मार्केट चलते हैं एंड शिवानी रेडी हो रही है, वो रेडी हो जाए फिर हम निकलते हैं। शाम हो चुकी है और मैंने एक ना DIY कैंडल देखी थी YouTube पर ही और मुझे लगा कि चलो इस बार हमें भी बनाना चाहिए। तो चलिए DIY कैंडल बनाते, कैसी बनती है ये फर्स्ट टाइम है जब मैं बना रही हूँ, मतलब मैं और शिवानी बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सफल होता है या नहीं ये तो आपके साथ शेयर ही करेंगे। मैच चल रहा है यहाँ पर गाइस, इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखते देखते हम ये कैंडल बनाते हैं। मैंने कांच के गिलास ले लिए, इनमें अभी एक एक गेंदे का फूल डाला है। ये सारे फूल अभी हम मार्केट से लेके आए थे। सो गाइस इनमें हम अब पानी डालेंगे गिलास में। देखिए गाइस तीनों गिलास में हम पानी डाल देंगे एंड गाइस, और इसमें कुछ जो हम बाती लगाएंगे ना उसके लिए ऐसा कुछ पॉलीथीन ले लेना गाइस, ट्रांसपेरेंट टाइप का, उसका ये राउंड करके इस टाइप से आप कट कर सकते हैं गाइस, और उसमें एक होल कर दीजिए तो हम जिसमें अपनी जो गोल वाली बाती होती है वो इसमें इंसर्ट कर सकें। देखिए गाइस इस टाइप का बन जाता है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने सभी में बाती लगा दी है ना गाइस। और गाइस अब क्या करेंगे ना हम ऑयल, ये देखिए ये हमारे पूरे ग्लास रेडी हो चुके हैं। चलिए गाइस इनमें ऑयल डाल लेते हैं। तो गाइस ये बाती रख देंगे इसमें और ऑयल को क्या होगा ना, ऑयल डाला है ना तो बाती ऑब्जर्व कर लेगी और बहुत अच्छे से ये दीपक जलेंगे। रात में मैं इन्हें जला के दिखाऊंगी। गाइस चलिए DIY कैंडल्स बन चुकी है, आपने देख ली है। एंड गाइस चलिए अब बनाते हैं रंगोली। इस बार हम गाइस रंगों की रंगोली नहीं बना रहे, इस बार हम बना रहे फूलों की रंगोली। तो चलिए आप भी देखिए और शिवानी और हम मिलके बना रहे हैं। देखिए गाइस शिवानी ने स्टार्ट भी कर दिया, चलिए मैं भी थोड़ा ऐड करती हूँ। सो गाइस इंस्पिरेशन के लिए हमने ये वाली रंगोली, ये हमने ऑनलाइन ही निकाली है गाइस। चलिए इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसी बनती है, इस टाइप की बन पाती है या नहीं। गाइस देखिए हमारी रंगोली बन के तैयार हो चुकी है गाइस, कितनी सुंदर लग रही है गाइस, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग बताना गाइस ये मैंने और शिवानी ने बनाई है, कैसी लग रही है गाइस। रंगोली वगैरह बना के फ्री हो गए, अब आ गई हूँ मैं किचन में। चलिए खाना की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, मैंने कढ़ाई भी रख दी है, तो चलिए खाना बना लेते हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर पूड़ी एंड खीर। ये छोटा सा ही मेन्यू है गाइस बस, लेकिन आज मैं कोई रेसिपी बताने वाली नहीं हूँ गाइस, थोड़ा जल्दी है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। और कढ़ाई पनीर की रेसिपी गाइस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बहुत डिटेल वीडियो है, आपको अगर जाननी है या देखनी है गाइस तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर कुकिंग वीडियोस वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिए गाइस, वहां पर आपको कढ़ाई पनीर की रेसिपी मिल जाएगी। चलिए मैं खाना बनाती हूँ। तो गाइस देखिए कितना रिच एंड क्रीमी कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो चुका है, बस इसमें धनिया डालना है गाइस। खीर भी बनके रेडी हो चुकी है गाइस, देखिए ये भी काफी टेम्पटिंग लग रही है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। मैंने बस सिंपल सा ये कुर्ता डाला हुआ है गाइस, सिंपल सा कुर्ता पहना है बस, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, हल्का लाइट सा मेकअप कर लिया है और ये इयरिंग्स पहन लिए गाइस। ये इयरिंग्स गाइस आयुषी के हैं गाइस, बहुत प्यारे इयरिंग्स हैं गाइस, आपको कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। एंड शिवानी और माही रेडी हो रहे हैं गाइस, वो रेडी हो जाए फिर हम पूजा करते हैं। सो गाइस देखिए ये हमारी DIY कैंडल्स कैसी लग रही हैं, आप लोग सच में गाइस जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसा DIY कुछ हमने पहली बार ही ट्राई किया है कैंडल्स वगैरह, सो मुझे तो बहुत पसंद आई। इट्स पूजा टाइम। सो गाइस देखिए ये हमने दिन में जो रंगोली बनाई थी वो यहाँ दीपक रख दिया, बहुत ही प्यारी लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, आप लोग बताना कैसी लगी। एंड गाइस अब मैं जा रही हूँ दीपक लगाने। चलो शिवानी दिए रखने चलते हैं।
हमने दिए लगा दिए हैं। एंड गाइस देखिए चारों तरफ पूरी कॉलोनी कैसे जगमग जगमग हो रही है। चलिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ। फटाके चल रहे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी गाइस। तो गाइस देख सकते हैं पूरी कॉलोनी कैसे जगमगा रही है गाइस लाइट से। दिवाली की वाइब अलग होती है ना गाइस। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए गाइस ये पटाखे चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा नजारा है गाइस। चलते हैं नीचे। तो गाइस ये रंगोली हमारी और ये प्यारी सी लाइट्स गाइस हमने लगा दी है, बहुत सुंदर लग रही है। सो गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हम सब की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस सारे काम हो चुके हैं, इंडिया भी जीत गई, सो डबल सेलिब्रेशन हो गया। सो गाइस चलिए डिनर कर लेते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या बनाया। सो गाइस डिनर में है कढ़ाई पनीर, सेवैया की खीर, अचार, पूड़ी। चलिए गाइस हम सब लोग अब डिनर एंजॉय करते हैं। गाइस अब हम डिनर करते हैं। आज का ब्लॉग बस यही है। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।